Assalamu alaikum. Aaj hum aaye hain Whitechapel. Say hello, Asher. Hi. Hi. Aaj hum sare shopping karne aaye hain. Mujhe material lena hai, isliye main aayi hu. Aur kuch dupatte bhi lene hain. Chalo dekhte hain kya milta hai. यहाँ हम अभी आए हैं वॉटनी मार्केट. यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे दुपट्टे शॉल्स वगैरह लगे हुए हैं. ऐसे शॉल्स एक्चुअली अच्छे लगते हैं प्लेन ड्रेसेस पे. यहाँ आप देख सकते हैं शिफॉन के हिजाब्स जो के लगे हुए थे 4-10 पाउंड के. सही बताऊं यहाँ कुछ खास नहीं है. ब्लैक कलर है, रेड कलर है, पर्पल कलर है, गोल्ड कलर है, ब्राउन कलर है, बरगंडी कलर है. कौन सा लेना आपको? मेरे को किधर हो? कॉटन चाहिए. हाँ मुझे कॉटन चाहिए, लेकिन इसमें तो कलर मुझे तो काले में चाहिए ना, थोड़ा सा रूम के साथ जैसे ब्राउन मैच करता है. ब्राउन में कुछ नहीं है. ब्राउन भी है और दिखाएं ब्राउन. कितने का है? कितने का है तो पूछ ही नहीं, पूछ पहले. हाउ मच इज इट? 25. आप देख सकते हैं इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है. बेड शीट्स, कर्टन्स, प्रेयर मैट्स सब कुछ मिलता है यहाँ. इस मार्केट में मुझे जो शिफॉन के हिजाब्स चाहिए थे वो भी मिल रहे थे, लेकिन वो काफ़ी महंगे थे इस मार्केट में, इसलिए हम दूसरे मार्केट में चले गए. वो आप बाद में ले सकते हैं. अभी हम यहाँ जा रहे हैं मटेरियल लेने के लिए जो मुझे ड्रेस के लिए चाहिए था. अभी यहाँ जा रहे हैं. अभी हमारा मटेरियल लेके हुआ है. मैंने ली हूँ. घर जाके आपको बताती हूँ क्या ली हूँ. ये हम आ गए हैं अभी मेन मार्केट में जो स्टेशन के बाहर ही है. मैं इस मार्केट से हिजाब लेके हो गए थे. इसके बाद हम गए चाय पीने के लिए. आइए देखते. चाय बहुत मज़े की थी. इस मार्केट में एक्चुअली वेजिटेबल्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं वेजिटेबल मार्केट भी लगता है इनका यहाँ.
शॉपिंग होने के बाद हम मिठाई की दुकान में आ गए समोसे लेने के लिए। Hey Nabi. Yeah. Hey bestie. शॉपिंग खत्म होने के बाद हम घर आ गए थे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या लेके आई मैं व्हाइटचैपल से। पहले ये इससे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये मम्मी ने लेके आई ड्रेस पीस है। कितने में मिला ये? आई थिंक 2.50 पर यार्ड। बहुत सस्ता है ये यहाँ 250 रुपये। मैंने ड्रेस बनाना था तो ये लेके आई। ठीक है दूसरा एक्चुअली वो नबीला का था। ये मम्मी का है सॉरी। ये मम्मी ने लेके आई। ये भी अपने पर्स में है। देखिए अभी सीने के लिए देना है। मैंने ये लेके आई। मुझे एक्चुअली इसका अच्छे से ड्रेस बनाना है वेस्टर्न में, इसलिए मैं ये लेके आई। ये एक्चुअली बेबी पिंक है और कैमरा पे एक्चुअली थोड़ा क्रीमिश लग रहा है लेकिन ये बेबी पिंक है। जब ये बन जाएगा मैं आपको पिक्स या वीडियो में शेयर करके बताऊंगी कैसे बना है। ये एक्चुअली वो पीस एक्चुअली मैंने बताया नहीं, वो भी 2.50 का था पर यार्ड। ये भी मैंने लेके आई हूँ वैसे ही सीने के लिए। ये पेस्टल येलो है। कैमरा पे थोड़ा क्रीमिश लग रहा होगा शायद या और भी पेल लग रहा होगा लेकिन ये वाइब्रेंट है। ये मैंने 1.50 में लिए तो क्वाइट सस्ता मिला एक्चुअली। मैं ओरिजिनल गई थी, आपको बताती हूँ रुको। इस ड्रेस पे इसका मैचिंग अस्तर लेने हैं। ठीक है ये इसका अस्तर पहले से ही है लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं तो मैंने दूसरा अस्तर लिया जो इस पे मैच होता है और एक्चुअली उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसका, तो मैंने ये लिया। एक सेकेंड तो मैंने ये ली हूँ इंस्टेड। रोज गोल्ड टाइप का है तो मैं रख के देखता हूँ कैसे लगेगा। तो ये कुछ ऐसा लगेगा, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा अच्छे से लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली। तो मैंने क्या की इसका अस्तर और ट्राउजर्स के लिए नया पीस ही लिए कम्प्लीटली। ठीक है फिर हम गए कुछ स्कार्फ लेने। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने एक ली। ये 4-10 pounds के मिले। प्लेन शिफॉन है ये कलर ली। सारे एक्चुअली वैसे ही हैं शिफॉन के लेकिन अलग अलग कलर के। मैंने एक बेसिक ब्लैक ली क्योंकि ब्लैक हमेशा ट्रेंड में रहता है। ये एक ब्लू कलर का थोड़ा ग्रीनिश लग रहा है शायद कैमरा पे लेकिन ये एक है। फिर ये पर्पल। दो और बैग है मैं लेके आती हूँ।
फिर ये एक कलर है, मैं लेने गई थी एक्चुअली बाहर पे, ये एक लाइम ग्रीन टाइप कलर है, ये एक्चुअली हुडीज पे पहनने के लिए मैंने लिए, प्लेन वाइट हुडीज, कोई प्लेन कलर का हुडीज होता है उस पहनने के लिए, वाइट एक लिए क्योंकि कभी व्हाइट कभी ऑफ ट्रेंड नहीं होता है, एक्चुअली ये मैचिंग है मम्मी के ड्रेस पे, ड्रेस पीस पे, इसलिए मैंने लिए। मेरे पास व्हाइट है वैसे, लेकिन वो ऑफ व्हाइट नहीं है, प्योर व्हाइट है वैसे। हाँ, फिर मैंने ये एक ली लाइट ब्लू, समर आ रहा है तो मैंने सोची थोड़ी लाइट ही कलर शेड देती हूँ जो कि अच्छे हैं। ये एक डार्क ब्लू है लाइक, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा ग्रेज ब्लू है जो कि अच्छा है। फिर मैंने ये ली, एक्चुअली ये मैचिंग है मेरे ड्रेस पे से, मैचिंग है मेरे ड्रेस पे ये वाला, तो एक्चुअली मैच हो जाएगा, एक सेकेंड, ये देखिए इसमें मैच हो जाएगा ये, इसलिए ली मैंने, ठीक है। और फिर ये दूसरे स्टाइल के हैं, ये सारे जो मैंने तो बताया वो 4-10 pounds के थे, और ये वाले थोड़े इसमें पैटर्न है, थोड़े विचेस है, तो ये है 3-10 pounds के, ये पैटर्न शायद ये देखिए तो पैटर्न, तो वो प्लेन शिफॉन थे, ये थोड़े टेक्सचर है। मैंने इसमें बेसिक से लिए, बेसिक कलर लिए जो कि मैं डेली यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए। और फिर ये एक ग्रे लिए क्योंकि ब्लैक मिला नहीं मुझे, तो मैंने ग्रे ही लिया, एक्चुअली ब्लैक था लेकिन मैंने ग्रे ली क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लगता है, ब्लैक थोड़ा बोरिंग लगने लगा था। और भी मैंने हिजाब लिए हूँ दूसरी वेबसाइट से ली हूँ, बस वो भी 4-10 pounds के थे, तो मैंने दो ऑलरेडी पहन चुकी हूँ जो अभी वॉश में है, सॉरी। तो ये एक पर्पल है जो काफ़ी डिफरेंट है इस पर्पल से, ये थोड़ा डार्क पर्पल है और ये थोड़ा लाइट है, इससे भी लाइट है एक और जो मैंने एक्चुअली आज पहना था वो वॉश में, फिर ये ग्रीन लिए मैंने, थोड़ा डार्क है, मैंने अभी जस्ट नोटिस की, वैसे जो अभी लेके आई ना ग्रीन ये वाला, वैसे मैंने पहले भी ऑर्डर किया था, तो इसके अब दो हो गए हैं मेरे पास। फिर मैंने दो वाइट भी ली थी क्योंकि मुझे वाइट पहनना बहुत पसंद है, तो मैंने जैसे मैंने बताया था मेरे पास वाइट है लेकिन वो ऑफ वाइट था, और भी चाहिए थी बस पायल होते जा रही। फिर ये ब्लू लेके आई हूँ मैं, टी ब्लू टाइप, फिर ये दो बेसिक कलर लेके आई हूँ जो सिमिलर लगता है लेकिन शेड में थोड़े डिफरेंट है। कभी कभी कैसे होता है कि हम ड्रेस पे मैचिंग करने जाते हैं तो कभी कभी ऑफ होता है या कभी लाइट होता है, थोड़ा डार्क होता है थोड़ा लाइट होता है, तो इसलिए मैंने दो लेके आई। वैसे मेरे सारे कपड़े उसी शेड में होते आते हैं, थोड़े लाइट या थोड़े डार्क होते हैं, इसलिए मैंने वो ले ली। फिर ये मैंने ग्रे ली जो कि मैं शूज में आती हूँ, ठीक है। और ये बस एक्चुअली ये एक हिजाब है, वो भी थोड़ा शेड उसका अलग है लेकिन इसी रेंज में। तो ये थी मेरी शॉपिंग आज की, ये देखिए सारी ऐसे ही बेटर। तो ये थी शॉपिंग मेरी आज की, आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले 2-3 दिन में मैं हिजाब का ऑर्गेनाइजेशन भी डालने वाली हूँ, आप वो भी देख लेना। थैंक यू।